क्या ही बोले, ये देखिए मौसम से अभी थोड़ा जाके धूप लगी है, ये देखिए। तो हेलो गाइस, कैसे हो? तो स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग पे। तो गाइस टाइम कुछ 12:40 हो रहे हैं। तो गाइस आज मैं आपको अपने खेतों में लेके चलता हूँ। और तो मौसम की बात की जाए तो मौसम हल्का हल्का धूप और बादल, तो पहाड़ों में ये मौसम लगा रहता है। और तो अपने खेतों में लेके जाता हूँ गाइस। तो क्या काम है तो आपको उधर ही बताएंगे। तो ये हमारी छोटी छोटी फ्राइज बीन और भिंडी से लेकर मिर्च मुर्च सब लगा रखी है ये खेतों में। ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, और गन्ने गुन्ने सब चीज़ें। तो उधर ही लेके चलता हूँ आपको अपने खेतों की, और जहाँ मेरा काम है। और ये हमारे धान भी लगा रखी है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए क्या ही औसम वाले लग रहे हैं अभी। तो अभी कुछ टाइम बाद ये बड़े होंगे और इनकी कटाई और तो ये निकालना भी पड़ते हैं गाइस। तो पहाड़ों में कुल मिला के काम बहुत रहता है। तो उधर ही लेके चलता हूँ आपको, लेट्स गो गाइस। पहुँच चुका हूँ अपने वाले खेत पे। तो इधर भी हमने सोयाबीन बोए हैं और ये बगल में दूसरों का खेत है, ये देखिए। तो गाइस मेरा क्या काम था तो आपको बताता हूँ क्या काम था। तो इसको हम गाइस मारचू कहते हैं इधर की पहाड़ों की भाषा में। तो गाइस व्यू की क्या है बोले, औसम से अपना पीछे देखिए पहाड़ क्या ही हरी भरी हरियाली, और धूप भी काफ़ी लग रही है। तो आगे से हमें उतनी नहीं लग रही थी। तो आपको लेके चलते हैं क्या काम है मेरा तो बताता हूँ। ये देखिए गाइस ये पेड़ है, और ये बहुत पहले छोटा भी था, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है इसमें। तो पहले मैं इसमें खेलता भी था इस वाले पेड़ में, तो अब काफ़ी बहुत बड़ा हो गया है। तो गाइस ये मैंने परसों की ये वाली लकड़ी खड़ी की थी, ये वाली। तो मैं बताता हूँ क्यों की थी मैंने। तो यहाँ गाइस लौकी की झाल है, और तो इनको मैंने रस्सी से ये वाली इसको फाड़ के चुन्नी को लगानी है, तो यहाँ झाल इस पेड़ में आ जाएगा, तब तो लौकी लुकी लग जाएगी। तो करते हैं गाइस फटाफट। और अभी जाके ये पूरा हुआ है, तो 1 से 1.5 घंटा लग गया गाइस मुझे। तो मैंने चुन्नी फाड़ फाड़ के ये जाला जैसे वहाँ उस पेड़ तक बनाया है। तो गर्मी काफ़ी है गाइस, तो मेहनत भी तुम्हारे भाई की काफ़ी लगी है, और तो उस पेड़ तक बांध दिया मैंने। तो 10-15 दिनों में यहाँ तक पहुँच जाएगी, और ये तब 10-15 दिनों में लौकी भी लग जाएगी। और तो गाइस धूप भी काफ़ी है, तो पसीने से बहुत भीग चुका हूँ मैं। तो चलते हैं घर की ओर, नहाते धोते हैं गाइस। तो व्यू क्या ही बोले, ये देखिए मौसम से अभी थोड़ा जाके धूप लगी है, ये देखिए। तो गाइस मिलते हैं अब वहीं घर पे। भाई जैसे ही घर पे पहुँचा तो घर पे ठंडी ठंडी दही थी, और गर्मी भी काफ़ी होती, दही पी के क्या ही बोले फील आ गया। तो गाइस दही घर की रहती है, तो घर की चीज़ों में क्या ही स्वाद है। तो आपको बताएंगे गाइस कभी ब्लॉक पे हमारी कितनी गाय है और कितने बैल हैं। तो गाइस इस तरह का रहता है गाँव का काम, तो छोटे से लेकर बड़े तक हर चीज़ देखनी पड़ती है गाइस। इस तरह का था आज का ब्लॉग, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।